एवरीवन, आज की वीडियो में एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स की जर्नी फ्रॉम मैग्ना कार्टा टू यूडीएचआर पे लाई हूँ, जो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करने वाला है आपको। सो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल एंड। 19th सेंचुरी से ह्यूमन राइट एक सेंट्रल कंसर्न ओवर द इशू ऑफ स्लेवरी हो चुका था। यही रीजन है कि ब्रिटेन ने दो एक्ट पास किए और ऐसे ही बहुत सारे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट हुए जो इन मेनी कंट्रीज टुक प्लेस एंड चेंज द डायमेंशनल एजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट का बेसिक प्रिंसिपल है कि टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट सर्टेन एसेंशियल ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट के लिए कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। दीज ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इन्हीं डॉक्यूमेंट में हम जानेंगे कि कैसे ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन प्रमोशन हुआ गया। मैग्ना कार्टा इन 1215 वॉज साइन बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, और ये एक टर्निंग पॉइंट था इन ह्यूमन राइट्स। किंग जॉन जो इंग्लैंड के थे, दे सेड इट कि कोई भी फ्री मैन को पनिश नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट थ्रू द लॉ ऑफ लैंड, और किंग जॉन एक ग्रेट लिबर्टियन के नाम से भी जाने जाते थे। ही इम्प्लाइड अ लॉ ऑफ एक्सप्लॉइटिंग ऑफ एनी फ्री मैन विल नॉट बी ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू लॉ, and this thought become as human rights, and this one of the most important legal document in the development of modern democracy. The petition of right in 1628 ye ek second recorded milestone tha development of human right mein, and it produced in 1628 by the English parliament. Ye for the parliament tha कि नो टैक्सेस मे बी लिवाइड विदाउट कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, नो सब्जेक्ट मे बी इम्प्रेजेंट विदाउट कॉज शोन, एंड अदर फोर थिंग्स हैज बीन प्रैक्टिस एंड ऑल्सो फॉलोड इन दिस पिटिशन। बिल ऑफ राइट्स इन 1689, थ्रू दिस बिल ऑफ राइट अदर ह्यूमन राइट्स एंड अदर इशूज ऑफ ह्यूमन राइट्स गेट इन टू फोकस। उन्होंने इसमें बताया कि कुछ लिमिट टू द पावर ऑफ सी सोवरीन हम करेंगे, कोई राइट्स होने चाहिए फॉर पार्लियामेंट्स, रूल्स फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट होनी चाहिए, रेगुलर इलेक्शन इन पार्लियामेंट पे फोकस किया गया, एंड दिस वे अदर ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैज बीन गेट कंसर्न इन द बिल ऑफ राइट्स इन 1689। यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस अप्रूव द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और आफ्टर दिस इंडिपेंडेंट स्टेट ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट नहीं होगी। ये एक्ट ऑफ स्लेवेशन का एंड किया गया, ये व्यू प्रमोटेड किया गया अब्राहम लिंकन ने। ये इस अंडर दिस यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस न्यू नेशन फाउंड किया गया, एंड दीज आइडियाज बिकेम वाइडली हेल्प बाय अमेरिकन्स एंड स्प्रेड इंटरनेशनली। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन इन 1789, France brought about the abolishment of the absolute monarchy, and the declaration proclaims ki har citizen ko guarantee kiya jayenge right that are liberty, property, security and resistance to oppression. Another Geneva Convention. Geneva Convention ka jo purpose tha adopt karne ka, that was for the treatment of wounded soldiers in combat. Jo warriors, jo सोल्जर्स थे, जो वाउंडेड सिख मिलिट्री थे, उनको रिस्पेक्ट एंड प्रोवाइड अ मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई टॉर्चर नहीं होएगा उनके साथ, ह्यूमैनिटी से प्रैक्टिस किया जाएगा, एंड इक्विपमेंट विद द डिस्टिंक्टिव साइन ऑफ द रेड क्रॉस ऑन अ वाइट बैकग्राउंड शुड बी देयर। तो जेनेवा कन्वेंशन में रिगार्डिंग सोल्जर्स कुछ पर्पस प्रिंसिपल्स निकाले गए टू प्रैक्टिस ऑन इट। यूनाइटेड नेशन का मेन फोकस था कि प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है पीस और प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स। यूनाइटेड नेशन वेंट इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 24, 1945, एंड एवरी ईयर यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 24th October। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, it has inspired a number of other human rights laws and treaties throughout the world. UDHR ke 30 articles hain,
और ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट, ये आर्टिकल 1 UDHR का प्रोक्लेम करता है। पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ने प्लेज किया टू वर्क टुगेदर टू प्रमोट द 30 आर्टिकल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। और बहुत सारे ऐसे UDHR के राइट्स हैं जो करंटली टुडे द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन। सो आज की वीडियो में हमने सब जाना कि कैसे ह्यूमन राइट्स का एवोल्यूशन हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.